Assalamualaikum, hi everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मज़े में हैं। आज बहुत बीमार के बाद मैं रिव्यू बना रही हूँ। बहुत बीमार से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और उसके एग्ज़ाम भी चल रही थी, तो उसमें ही मेरा टाइम चला जा रहा था, टाइम भी मिल रहा था मेरे लिए कि मैं रिव्यू बनाऊँ। आज मैंने सोचा कि मैं आज रिव्यू बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे बेबे अर्श का बर्थडे है। तो आज मैंने सोचा है कि जो भी हम डिनर एक्टिविटी करेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मेमोरी के तौर पर भी मेरे साथ ये शेयर रहेगा। अभी सुबह का वक्त है, अर्श तो स्कूल में ड्रॉप कर गया है, नाश्ता भी हो चुका है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और मैंने सोचा कि अर्श अभी स्कूल आने से पहले मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। यहाँ पे मैंने ब्लैक और गोल्डन कलर के बलून लिए हुए हैं, उस प्रवास से मैं चार चार बलून लेके फ्लावर बना दूँ। और इस प्रवास से मैंने देखी बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने इसके फ्लावर बनाए हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में मैंने डेकोरेशन किया था। और ये जो फ्रंट वाली वॉल है, यहाँ पे मैंने सोचा है कि इस वॉल पे डेकोरेशन करूँ। और यहाँ पे जो सोफा था उसको मैं हटा ली थी साइड में। यहाँ पे वॉल पे जितने भी मैंने फ्रेम्स लगाए हुए हैं उनको मैं पहले मिटाई हुई हूँ ताकि मैं अच्छे से डेकोरेशन कर सकूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो ये फाइव अपन रहते हैं वो लाए थे, ये मैंने पिंक कलर में लाए होते हैं। ये वाला गोल्ड है और एक पिंक है। जो ये गोल्ड है वो मैंने दो लगाए हैं और एक सेंटर में पिंक एक लगाया है, तो पर्पल मैंने यहाँ पे पिंक कलर में लगाए हुए हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और देखिए कैसे लग रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। आज तो बहुत पसंद आया। अभी वक्त हुआ है शाम का, और आज डिनर में मैंने बनाई है किचन की बिरयानी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, तो आज मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई है। आज कोई हरी भी नहीं है, अभी इस वक्त मेरे हस्बैंड ऑफिस में है, और हमने सोचा है कि रात में बड़े से ही बेट करेंगे। हस्बैंड ने बताया है कि वो आप वक्त केक ले आएंगे, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो किचन बिरयानी है, और ये भी उसके फरमाइश पे बन रही है। और जो केक है वो भी उसके फरमाइश पे ही आ रहा है, और उसको आइसक्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने मुझे बताया था कि मम्मा आज मैं आइसक्रीम केक चाहूँगा और कल पर मेरे लिए वैनिला केक बनाना। जो घर में बनाया हुआ वैनिला नॉर्मल केक होता है सिंपल, वो भी उसे बहुत पसंद है, तो कल पर हरी पे है, तो मैंने सोचा कि ठीक है कि चल मैं बना लूँगी। अभी देखिए यहाँ पे मेरी बिरयानी बन चुकी है, और मैं ये अर्श के लिए प्लेट में चाह रही थी। और ये है उसके फेवरेट आइसक्रीम की, उसको बहुत पसंद है ये वाला फेवरेट, तो उसने बोला था कि मुझे यही चाहिए। आइसक्रीम केक होने की वजह से वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा था, तो वैसे भी देर हो गई थी मेरे हस्बैंड को आप आते केक, उसके बाद उन्होंने अर्श की बर्थडे गिफ्ट भी लिया था, तो ये सब करते हुए जब हम घर आए थे तो आप हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और बर्थडे से ज़्यादा
खुशी तो गिफ्ट की होती है उसको, उसके वजह से ज़्यादा पता नहीं जब ये सब हो जाएगा तब मैं बॉक्स में ओपन करके देखूँ कि क्या लाया मेरे लिए। और ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक पैनल। जैसे ही गिफ्ट ओपन किया वैसे ही आज शुरू हो गया था और मैं वापस इसी के साथ खेलता रहा और फिर सो गए थे। अब ये है दूसरे दिन सुबह की रिव्यू। मैंने आज के उतने तक कि वाला वैनिला केक बनाया था और जो कैंडल है तो आज के आया था लेकिन कल आइसक्रीम केक होने की वजह से यूज़ नहीं हुई थी तो आज यहाँ पे यूज़ कर रही है। और बस बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि ये वाला केक भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अभी हुआ है शाम का वक्त, अभी शाम के करीब कुछ 7 बज गए होंगे और मगरिब की नमाज भी अदा की और उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे व्यू मॉल क्योंकि उसको यहाँ पे जो प्ले एरिया है यहाँ पे बहुत कुछ छोटे बच्चों की गेम्स वगैरह हैं तो उसको बहुत पसंद है तो उसका इंजॉय कराने के लिए हम यहाँ पे लेके आए थे। और वैसे हमारी भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा कि वो खाने सब हो जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे एलसी में हमने शॉपिंग की, मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े लेने थी और मैंने भी कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। अब ये है यहाँ का प्ले एरिया, यहाँ पे बहुत अच्छे गेम हैं और स्पेशली अर्श को बहुत पसंद है तो इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ शूट की ले रही थी और मेरे हस्बैंड और अर्श यहाँ पे जो उनका काम है उसके लिए रिचार्ज कर रहे थे। उसके बाद ये लोग चले गए थे। ये वाले जो झूले हैं मुझे तो इन सबसे बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन आज तो बड़ा मज़ा आता है तो वो ये सब खेल रहा था। उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने उसे देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे जो बम्पिंग कार है ये तो उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो जब भी हम लोग आते हैं ये वाला तो हम लाजमी खेलते हैं तो कभी कभी मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ लेकिन आज मेरा मन नहीं था क्योंकि जो ये भी थी मेरी वहाँ पे अंदर तो मैंने सोचा कि आज रहने देते वो यहाँ पे भी किया। आज बहुत ही मज़े से इंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पे मैं भी अर्श के साथ इस वाले राइड पे चली गई थी, मैंने भी यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। अब अभी यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अभी उसका मन भी भर चुका है प्ले करने के बाद सब कुछ, उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब हम आए थे यहाँ पे नीचे स्केचर्स में, यहाँ पे हम दोनों के लिए शूज लेने थे, मैंने तो अपने से ये कर लिए हैं, अब मेरे हस्बैंड उनके लिए बेच रहे थे तो इस तरह से बिताया हमने उसका बर्थडे और हमको बहुत मज़ा आया। आज ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉजिटिव रहिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।